कैसे हुआ? षट धन आनन षडानन, षट धन आनन। यहाँ पर षट, यहाँ पर आप अगर इसको बोलेंगे तो ट के साथ स्वर लग रहा है, ट ट अ लग रहा है ना, और आनन आनन भी एक स्वर है। तो यहाँ पर एक व्यंजन है, एक स्वर है, ट और आ, ये दो अलग स्वर और व्यंजन है। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? षट धन आ ड़ा, श डानन श डानन, ठीक है। षट धन दर्शन, षड दर्शन श दर्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या बना? ड़ बन गया, तो षडर्शन। त का द में परिवर्तन कैसे बना? जगत और अम्बा, जगत दम्बा, यानी कि त जो है पूरी तरह से ग में परिवर्तित हो गया, त जो है पूरी तरह से द में परिवर्तित हो गया, और जो त है वो ग में परिवर्तित हो गया। कैसे हो गया? जगत धन अम्बा जगदम्बा, त का अ से मेल हुआ द बना, त का ग से मेल हुआ द बना। इसी तरह पांचवे वर्ण को अगर हम ध्यान से समझें तो उसका परिवर्तन हो जाता है। कौन है? म्यूट नहीं है, भूमिका। तो ये होता है व्यंजन संधि। अब क का ण से, क का ण देखिए, वाक धन मय, वाक धन मय, वा वाडम्य, कैसे बना? क का ण बन गया। तो जब जहां पर हम क क क बोलेंगे वहां ण ण कहेंगे, वाक धन मय वाडम्य। ये सभी संस्कृत शब्द है बेटा, ये हिंदी में बहुत कम बोले जाते हैं। तो मैम अब है सबको दिखाई दे रहा है? यस यस मैम, मैम, यस यस ऊपर का थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा। चलिए हाँ मैं मैम, ऊपर बोल, मैम मैं थोड़ा बोल धुंधला धुंध सकती धुंधला दिखाई दे रहा है। चलो मैं बोल के बता देती हूँ। ये लिखा है ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन, ट का ड में परिवर्तन, ठीक है। इसमें क्या हुआ? इसमें बना षट धन मास, षट धन मास, षट धन मास को हम अगर ध्यान से देखें तो बना षण मास, क्योंकि ट का ण में परिवर्तन हुआ, तो ट से ट धन म ण, ट धन म ण, षड मास या षण मास। षण मास का मतलब होता है, क्या कोई बता सकता है षण मास का मतलब? मास का मतलब होता है महीना, और क्षण का मतलब क्या होता है? संस्कृत में षण मास का मतलब गर्मी का महीना होता है, याद रखेंगे। यस मैम, यस मैम, ठीक है। यस मैम, नेक्स्ट पढ़ते हैं। त का न में परिवर्तन, त और म मिलकर बना न। जैसे जहां जहां पर त का योग उपयोग होगा, प्रयोग होगा, वहां पर जो म है, जैसे म लगा है तो वो बन जाएगा न। अगर त और म लगा है तो वो बन जाएगा न। तो आप ध्यान देंगे कैसे बनेगा? तत धन मय तन
मय तत् धन मय तन मय प का म से उसी प्रकार प का म से कैसे हुआ प में हलंत लगा है और म में नहीं लगा है तो यहाँ पर जो म है वो अपने द्वितीय रूप को दिखाएगा द्वितीय रूप को दिखाएगा कैसे अप धन मल अप धन मल अमल अप धन मल अमल यहाँ तक सबको समझ में आया व्यंजन सर यस मैम यस मैम यस मैम ओके उसके बाद हम बढ़ते हैं त संबंधी विशेष नियम त संबंधी विशेष नियम क्या दिख रहा है आपको कि जो त व्यंजन के बाद च छ हो तो च ज या झ हो तो ज ट या ठ हो तो ट ड या ढ हो तो ड या ना होने पर ल हो जाता है कैसे शरत धन चंद्र शरत चंद्र शरत चंद्र च अपने द्वितीय रूप को ले आया तो द्वितीय रूप से वो क्या संबोधित कर रहा है शरत चंद्र यहाँ पर त को बहुत धीमे से बोलना पड़ता है शरत चंद्र ठीक है तो आप घर में बैठकर इन सभी शब्दों को वाक्यों को वर्णों को अपने मुंह से कम 10 से 15 बार दोहराएंगे तो आपका जो गला है वो खुलेगा और आप जो नहीं बोल पाते हैं जैसे किसी ने कहा क्षण जबकि वो क्षण नहीं है वो ऋण है कहा था ना मैंने क्षण और ऋण में क्या भेद है क्या परिवर्तन है क्या डिफरेंस है तो वो है कि श और र मिलकर क्या बनता है श्र श और र मिलकर बनता है श्र और री मिलकर बनता है श्र मतलब सॉरी ऋषि का री जो होता है वो श और री मिलकर बनता है री तो श को हम नहीं कहते लेकिन री हम कह सकते हैं तो आपके घर आप घर में बैठो और इन सभी जो संधि के जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको आप दोहराओ जिससे आपका गला खुलेगा और आपको डेली बेसिस पे उस वर्ड को बोलने में तकलीफ नहीं होगी कभी भी आप कभी भी भाषण देते हो तो आपको वो शब्द बोलने में कोई तकलीफ नहीं होगी अंडरस्टैंड यस मैम यस मैम ठीक उत धन डयन उड्डयन उत धन डयन उड्डयन उड्डयन का मतलब जैसे हवाई जहाज को या कहना चाहिए कि जहां से हवाई जहाज उड़ता है उस जगह को उड्डयन कहते हैं उड़ने वाली जगह ठीक है त धन ड त और ड मिलकर बना डड यानी जो ड है वो अपने दो रूप को ले आया जन सत धन जन सज्जन ज ने अपना द्वितीय रूप दिखाया तत् धन टीका तट्टीका तत् धन टीका तट्टीका तो यहाँ पर ट ने अपने दो रूप दिखाए यदि त का त के बाद श आए तो त का च और श का छ बन जाता है कैसे बनेगा तत् धन शिव तच्छीव उत धन शिष्ट उच्छिष्ट त का त के बाद ह व्यंजन आता है तो त का द और ह का ध बन जाता है कैसे उत धन हार उद्धार उत धन हरण उद्धरण पहले शब्द के बाद में पहला वर्ण यदि छ रहे तो छ से पहले च आता है जैसे कि वृक्ष धन छाया वृक्ष छाया संधि धन छेद संधि छेद स्वर स्व धन छंद स्वच्छंद अनुधन छेद अनुच्छेद तो देखो छ छ छत्री का छ और छत्री का छ क्षत्रिय का और छत्री दोनों छ बन गए ध और छ छ बन गए
व और छ वच्छ बन गए, न और छ नच्छ बन गए। इसी तरह जो छ से निकलने वाली शब्द होते हैं वो अपने साथ किसी दूसरे वर्ण को लेकर चलते हैं। अब ड और म संबंधी नियम कैसे होगा? यदि म से क से लेकर म तक संधि होती है तो म उस व्यंजन वर्ग के पांचवें वर्ग में परिवर्तित का क का ड और च का इया, ट का ड, त का न, प का म हो जाता है। कैसे होगा? संबोधन, समधन बोधन संबोधन। समधन बोधन संबोधन। ड और म संबंधी नियम में सम और बोधन के बीच आने वाले जो वर्ण हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं। म संबंधी नियम में म जो होता है वो अनुस्वार का प्रयोग करके ऊपर बिंदी लग जाता है और जो पूरा वर्ण है, पूरा शब्द है, वो पूरी तरह से परिवर्तित होकर उसमें बिंदी के रूप में लग जाता है और वो अनुस्वार कहलाता है। समधन बंध संबंध, समधन कर शंकर। शंकर को ध्यान से देखिए, शंकर को ध्यान से समझिए, ध्यान से देखिए। शम धन कर शंकर कैसे बना? म और क मिलकर जो म वाली बिंदी है वो ऊपर चली गई। किम धन कर किंकर, लेकिन आप कैसे पढ़ेंगे इसको? किंकर, क्योंकि क जो है दो बार लगा है लेकिन यहाँ पर ड का प्रयोग हुआ है। ओके, म के बाद म के आने वाले पर म से आने वाले द्वित्व म का उपयोग होता है। जैसे मैंने मम कहलाया था, मम जो होता है उससे जितने भी जो शब्द बनेंगे, जो वर्ण बनेंगे वो कैसे बनेंगे? सन सम धन मान सम्मान। म और मा मिलकर एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे और नया शब्द बनाएंगे। भ्रम धन मुख सम्मुख, सॉरी भ्र नहीं कहा, सन सम धन मुख सम्मुख। सम धन मोहन सम्मोहन, सम धन मति सम्मति। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। यस मैम। मैम, एक एक नियम को आप कॉपी पे लिखते जाएंगे ताकि आपको वो याद रहे, और फिर आप रोज उस शब्द को दोहराएंगे ताकि संधि से रिलेटेड कोई भी डाउट आपके दिमाग में ना रहे। ओके मैम। संधि बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभी आप क्लास सेवेंथ में हो, फिर क्लास एट्थ में पढ़ोगे, फिर क्लास नाइन्थ में पढ़ोगे, फिर क्लास टेंथ में पढ़ोगे, और हो सकता है आप क्लास ट्वेल्व तक की संधि पढ़ते रहो। क्लियर मैम? यस मैम। यस मैम। म के बाद, म के बाद य से ह तक आने पर म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाता है। आपकी हो गया, वो आपकी हो गया। साक्षी, सोनाली, म्यूट हो, म्यूट हो जाओ। आपको जो भी बात करना है आप म्यूट होके करें। क्लास में रिकॉर्डिंग होती है, आपको पता है ना? यस मैम। ठीक है, यदि म के बाद य से ह तक आने पर म का परिवर्तन अनुस्वार में हो जाने पर म का ही रूप ले लेता है, जैसे समधन योग, समधन योग, संयोग। म अनुस्वार में बदल गया, बिंदी के रूप में आ गया। ठीक उसी तरह समधन वहन, सम वहन। अब यहाँ पर म जो है
फिर से अनुस्वार का रूप लेकर बिंदी रूप में आ गया। समधन रक्षण संरक्षण, समधन वेग सम वेग। इसी तरह सभी जो शब्द हैं स से जुड़े हैं और वो पीछे म है और वो सारे म क्या होते हैं अनुस्वार में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक। दूसरा है न या ण शब्द में री र श के होने पर न का ण हो जाना, जैसे कि भूष धन अन भूषण, भूष धन अन भूषण। यहाँ पर क्या हुआ है अ लगा है यानी कि स्वर लगा है, श है जो कि व्यंजन है और ये दोनों मिलकर अ को ले लेते हैं और अ के साथ मिलकर ये दोनों एक हो जाते हैं और जो न लिख रहा है आपको न वो ड में परिवर्तित हो जाता है, मतलब न का ड में परिवर्तन। ठीक है। यस मैम। ओके मैम। परिधन माण परी माण, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं दिखा क्योंकि ड है तो ड से ड में ही परिवर्तन होगा। राम धन अयन राम आयन, राम धन अयन रामायण। परिधन नाम परिणाम। ठीक वैसे ही स का श से यदि अ आ आए या स्वर आए तो स का श हो जाता है, कैसे होगा विष धन सम वी शम। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताऊं कि हम जब अशुद्ध हिंदी बोलते हैं, ठीक है, जब हम अशुद्ध हिंदी बोलेंगे तो क्या हम विषम बोल सकते हैं, वी सम वी सम, नहीं हम क्या बोलते हैं वी शम, क्या बोलते हैं वी शम। तो अशुद्ध हिंदी में सम का प्रयोग नहीं होता है, आई मीन टू से अशुद्ध हिंदी में सम का प्रयोग होता है लेकिन शुद्ध हिंदी में उसकी जगह श का प्रयोग होता है, तो वी शम होगा, मतलब जहां पर स लगता है वहां श का प्रयोग होगा। अभी धन सेक, अभी धन सेक क्या हुआ अभी शेक। विसर्ग संधि, विसर्ग का मतलब क्या होता है, विसर्ग को आप देख सकते हो कि जब हम ओम नमः शिवाय कहते हैं और नमः के पीछे जो छोटी दो बिंदियां दिखाई देती हैं उन्हें हम विसर्ग चिन्ह के नाम से या विसर्ग संधि के नाम से क्या करते हैं संबोधित करते हैं, क्योंकि विसर्ग संधि जो होती है हर उस संस्कृत के पीछे शब्द में लगी होती है और ये जो शब्द को पूर्ण बनाती है, कैसे बनाती है मनह धन ज मनोज, मनह धन ज मनोज। देखिए यहाँ पर क्या हुआ ओ का बनना, विसर्ग संधि में ओ का बनना, विसर्ग का ओ बन जाना, अगर विसर्ग प्रयोग कर रहा है न के पीछे विसर्ग है तो ओ के मतलब प्रयोग में ये क्या बन जाएगा ओ म और ओ म नोच। पय धन द पयद या पयोद, तम धन गुण तमो गुण, वयह धन वृद्ध वयो वृद्ध, मनह धन विकार मनो विकार। ओ का प्रयोग समझ में आया सबको? यस मैम। विसर्ग संधि नहीं भूलेंगे, कभी नहीं भूलेंगे विसर्ग संधि? नो मैम। नो मैम। विसर्ग का स बन जाना, ठीक है ओके। विसर्ग का अब स बन जाना, कैसे बनेगा स, जैसे कि दुख धन साहस, दुख धन साहस तो ये क्या बना दुस्साहस। ठीक उसी तरह निह धन तार निस्तार, नमः धन ते नमस्ते। देखिए नमस्ते को हम कितने सरल भाषा में लिखते हैं लेकिन अगर उसकी संधि की जाए तो नमः धन ते नमस्ते। मनह धन ताप, मनस्ताप, मनस्ताप, मन का जो ताप होता है
अगर हम उसे समझे तो मन की संधि विच्छेद करेंगे, मनः धन ताप। चले बेटा, ये आज की क्लास यहीं तक के, और okay, ma'am. कल विसर्ग संधि के बारे में कुछ और भी डिटेल पढ़ेंगे। और yes, ma'am. जिन बच्चों ने जितना भी पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, जितना मैंने पढ़ा दिया है, तो प्लीज सेंड करें अपना नोट्स ताकि मुझे पता चले। और हाँ, सब्जेक्ट रिलेटेड जो है हिंदी सब्जेक्ट का आप सेंड कर देंगे जितना भी आपका हो चुका है, और आपको कोई डाउट है चैप्टर्स में तो वो भी पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। नो मैम। ओके मैम। यस मैम। और प्लीज बच्चों अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन हुए करें। अगर आप लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन नहीं होते हैं, ऐड नहीं होंगे, तो आपका कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर नहीं होगा। और क्लियर नहीं होगा तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, क्योंकि संधि व्यंजन बहुत इंपॉर्टेंट है आगे की क्लास में भी। ओके मैम। यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. और बेटा यहाँ पर ज्वाइन होने के बाद, मीटिंग ज्वाइन होने के बाद आप म्यूट रहेंगे। जब मैं अपने मुंह से बोलूं गुड मॉर्निंग बच्चों, तब गुड मॉर्निंग एक साथ नहीं बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे, और फिर देन म्यूट हो जाएंगे। अपने घर के उस सेक्शन, उस जगह से हट जाएंगे जहाँ पर टीवी, वीडियो, रिमोट, जो भी चल रहा हो आसपास के सारे जो साउंड नॉइस है, वहां से हटकर आप उस जगह पर बैठेंगे जहां पर नॉइस नहीं हो और साइलेंट प्लेस हो। वहां पर आकर मेरी वॉइस आपको क्लियर सुनाई देगी। तो आप नेक्स्ट डे से ट्राई करेंगे कि आप अपनी क्लास पे किसी और से बात ना करें, क्योंकि ये क्लास रिकॉर्डेड होती है। तो आप सभी को मैं फिर से बता रही हूँ कि प्लीज अटेंशन होकर, पे अटेंशन होकर अपनी क्लास अटेंड करें। ओके बच्चों। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। ओके मैम। चले बेटा, लीव करते जाइए।